कर बैंकॉक के बहुत खूबसूरत एक्सप्रेस वे पे हूँ और मोबाइल बस एक हाथ से पकड़ा हुआ है और जहाँ तक बना सकूँगा बनाऊँगा, क्योंकि मोबाइल स्टैंड जो है वो थोड़ा सा लूज़ हो गया था, वो ग्रिप नहीं कर रहा मोबाइल को, तो मैंने कहा चले इस तरह ही बना लेता हूँ। तो अभी जो है मैं डॉनटाउन की तरफ जा रहा हूँ बैंकॉक में, क्योंकि मैंने दोस्तों को बताया कि मैंने आज वहाँ से बूस्टर लेना है, जो मेरी दो वैक्सीन है उनको 4 माह हो गए कंप्लीट हुए हुए, तो अभी इन्होंने बोला है कि आप जो है ना बूस्टर भी लगवा लें, तो अभी मैं जो है वो तीसरी वैक्सीन जिसको ये बूस्टर बोलते हैं बूस्टर लगवाने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह विद इन हाफ आवर आई विल रीच देयर, क्योंकि मैंने जहाँ से ये वैक्सीन पहले 2 डोज ली है मुझे अभी वहीं पे जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन फ्री है मेरे लिए, बूस्टर भी फ्री है, तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोगों को लगा रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे भी वैक्सीन का सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी ज़रूरी वीडियो तो नहीं थी, मैंने कहा फिर भी अपने दोस्तों को जो है ना मैं थोड़ा सा गपशप हो जाएगी, कीप एंड टच रहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो हर वक्त वीडियो बना भी नहीं सकता, बस टाइम जितना होता है मैं उतनी सी वीडियोस बनाता हूँ, तो इसलिए जो है वो छोटी मोटी वीडियो साथ डालता रहता हूँ ताकि आप लोग देखते रहें। ये आप देख रहे हैं आपको दरख्त जो है सारे नीचे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सारा एक्सप्रेस वे है ये बिल्कुल ऊपर बना हुआ है सारा, और पूरे बैंकॉक में इन्होंने ये जाल बिछाया हुआ इस तरह एक्सप्रेस वे का, और ऊपर से आप किसी जगह पे भी उतर सकते हैं नीचे बैंकॉक में और किसी जगह से भी चढ़ सकते हैं। इन्होंने एग्जिट और इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी जगह पे बनाई हुई है बैंकॉक में लोगों की सहूलत के लिए। आप देख रहे हैं बाकी बिल्डिंग्स आपको जो है काफ़ी नीचे नज़र आ रही होंगी, ये देखिए। और मैं अभी बिल आहिस्ता आहिस्ता डाउनटाउन की तरफ जा रहा हूँ और आप लोगों को दूर थोड़ी देर बाद सामने जो है वो डाउनटाउन की बिल्डिंग्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं जो है बहुत तेज़ ड्राइव नहीं कर रहा, अभी मैं 80-90 पे 100 तक जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ, मैंने कहा दोस्तों को थोड़ा सा जो है दिखा भी दूँ, अगर कैमरे ने मुझे कैच कर लिया तो जुर्माना करेंगे ये, लेकिन देखते हैं। और मौसम भी अच्छा था, बारिश किसी वक्त भी हो सकती है, काले बादल आए हुए हैं आसमान पे आपको नज़र आ रहे होंगे और धूप भी निकली हुई है, तो बारिशों का सीज़न था। अभी तो खैर ख़त्म होने वाला है, अभी ख़त्म हो रहा है सीज़न, आहिस्ता आहिस्ता बारिशों का था सीज़न, अभी बस मेरा ख्याल है हफ्ते तक ख़त्म हो जाएगा। पहले तो रोज़ दिन नहीं तो रात, रात नहीं तो दिन को बारिश होती है यहाँ पे और मौसम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अभी जो है बारिशें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन मुझे आसार लग रहे हैं डाउनटाउन की तरफ जो है ना बारिश हो रही है, क्योंकि बादल आगे काले होते जा रहे हैं। और तकरीबन 20-25 किलोमीटर है मेरे घर से, अपने घर के पास से मैं एक्सप्रेस वे चढ़ा हूँ, मोटर वे भी है पास और एक्सप्रेस वे जो जिस पे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये भी घर के पास ही इंटरेस्ट है, वहाँ से मैं इंटर हो गया और अभी हॉस्पिटल के पास मैं उतर जाऊँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा है कि भाई टाइम वेस्ट नहीं होता, ऊपर आपको बस थोड़ा सा ये है कि टूल प्लाजे जो हैं वो पे करने पड़ते हैं और नीचे जो है वो ट्रैफिक होती है, लेकिन फ्री है। लेकिन मेरे ख्याल में टाइम जो है आप बचाएं वो पैसों से ज़्यादा कीमती है, टाइम होगा तो पैसे भी कमाएंगे, तो लिहाजा जो है ना मैं हमेशा इसी चीज़ पे अमल करते हुए ऊपर से जो है ये एक्सप्रेस वे यूज़ करता हूँ या मोटरवे यूज़ करता हूँ। मोटरवे भी है साथ ही, लेकिन मोटरवे मुझे एंट्रेंस के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ना था और एक्सप्रेस वे जो है ये मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, तो लिहाजा मैंने इसको चूज़ किया। मैंने कहा वैसे भी अक्सर मैं एक्सप्रेस वे से जाता हूँ, अक्सर जो है ना मैं ड्राइव इधर से करता हूँ। ये देखें एक और सामने आपको ट्रैक नज़र आ रहा है ऊपर ब्रिज, ये भी स्काई ट्रेन का ट्रैक है,
मैंने अभी आपने दोस्तों को बताया कि अभी ये जाल बिछा रहे हैं पूरे बैंकॉक में। वैसे तो तकरीबन 6-7 साल से 8 साल से यहाँ पे स्काई ट्रेन चल रही है, तो वो डोन टोन की तरफ ही, लेकिन अभी ये हर तरफ लेके जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही होगी, क्योंकि अभी मुकाम पे पहुंचूंगा तो सुनूंगा भाई जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसमें मेरी आवाज भी थी कि नहीं। तो आज मैं अपने दोस्तों को सैर करवा रहा हूँ बैंकॉक के एक बहुत बड़े और खूबसूरत एक्सप्रेसवे की, और इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता जो है हम डाउनटाउन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं इंशाल्लाह, और बस वहाँ बूस्टर लगवा के मेरी फौरी वापसी इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे घर में इंतजार कर रहे होंगे। आज छुट्टी है तो मैंने बच्चों को बोला था जल्दी आ जाऊंगा ताकि घर में बच्चों के साथ थोड़ा सा इंजॉय कर सके इंशाल्लाह। तो ये अभी जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूँ डाउनटाउन की तरफ। ये देखिए नीचे यहाँ एक्सप्रेसवे यहाँ से थोड़ा नीचे हो गया, और यहाँ ये आपको बाई रोड भी नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से फिर एंट्रेंस है और एग्जिट है, और यहाँ से फिर ऊपर चढ़ जाएंगे हम। अभी हम जो है तकरीबन डाउनटाउन की तरफ हैं, और आपको सामने देखें बिल्डिंग से नजर आनी शुरू हो गई है, सेंटर जो है वो अभी नजदीक आ रहा है, और हम चलते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ। मेरे दोस्तों को सामने जो है बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, अभी डाउनटाउन बस शुरू होने वाला है बैंकॉक का। तो मेरा अक्सर आना जाना रहता है यहाँ पे, लेकिन बस वीडियोस मैं नहीं बना सकता, टाइम नहीं होता। आज छुट्टी थी और मुझे इतनी जल्दी नहीं थी, तो मैंने कहा चले बना लेता हूँ, क्योंकि आज तो मैंने बताया दोस्तों को कि मैं अपने एक पर्सनल काम आ रहा था, और बिजनेस के अगर चक्कर में आता हूँ तो फिर बहुत जल्दी भी होते हैं, तो फिर बस कुछ काम कर नहीं सकते ज़्यादा इस तरह का जो है ना। ये तो अभी मैंने कहा चले ड्राइव तो कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मैंने बताया कि मेरा जो स्टैंड है मोबाइल का वो उसकी ग्रिप थोड़ी सी लूज हो गई है, तो लिहाजा मैं अभी हाथ से ही जो है ना मैंने पकड़ा हुआ है मोबाइल को, तो हिल भी रहा है इसीलिए। तो ये मैं बिल्कुल जो आहिस्ता वाली लाइन है उस पर चल रहा हूँ ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। लगे हुए हर तरफ हर जगह, पता नहीं अभी क्या होता है। तो खैर
आज यहाँ पे छुट्टी का दिन है, इनका जो बादशाह था हमारा, जो किंग था, उसकी आज बरसी है। और आज इन्होंने ये टूल प्लाजे है जो है बिल्कुल फ्री किए हुए हैं। आज यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं, लिख के लगाए हुए हैं बोर्ड के फ्री है। ये देखें, आपको नजर आएगा फ्री का, आज जो है ये फ्री के लगे हुए हैं। और बस चलते जा रहे हैं। बस मंजिल की तरफ पहुंचने वाले हैं। मैं जहां जा रहा था बस पहुंचने वाला हूं वहां पे। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां से मुझे पहले दो डोज लगी थी, अभी मैंने बूस्टर भी वहीं से लगवाना है इनके सिस्टम के मुताबिक। दोस्तों मैं अभी नीचे उतर आया हूँ और आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा है, और नीचे उतरते ही जो है ट्रैफिक जाम हो गया। तो इसीलिए जो है मैं ज़्यादा ऊपर से एक्सप्रेसवे यूज़ करता हूँ ताकि ट्रैफिक ज़्यादा ना फंसे। तो अभी आप देख रहे हैं नीचे जो है काफ़ी रश हो गया। एक्चुअली ये जो रोड है ना, अभी तो कोविड की वजह से थोड़ी सी खामोशी है, लेकिन यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। और अभी जो है ये कोविड की वजह से थोड़ी सी खामोशी है, नहीं तो यहाँ पे एक एक घंटा लग जाता है, इतनी लंबी कतारें होती हैं गाड़ियों की। और ये अभी बस कुछ एक्टिविटीज़ अभी यहाँ पर बंद हैं, बैंकों का भी बिल्कुल पूरी तरह नहीं खुला, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक जो है ब्लॉक रहती है यहाँ पे। और अभी अभी तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है, वैसे तो ट्रैफिक हर वक्त यहाँ पे जो है ना ब्लॉक रहती है। बस मैं अभी काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका हूं, जिस हॉस्पिटल मैंने जाना था वो तकरीबन 5-10 मिनट में मैं अभी पहुंच जाऊंगा वहां पे।
चलें दोस्तों, इंशाल्लाह फिर बाद में दोबारा मुलाकात होगी। अभी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा है और आगे बाज़ दफ़ा इस ट्रैफिक आगे जो क्रॉस आ रहा है यहाँ पे, बाज़ दफ़ा जो ट्रैफिक है उस उधर पुलिस वाले भी खड़े होते हैं कैमरे शैमरे लेके। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ, लेकिन आगे कंटिन्यू बनाऊँगा, फिर बाद में जो है मैं आपको दूसरी तफसील भी बताऊँगा। ओके जी, टेक केयर। जी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं अभी बूस्टर लगवा के तो वापसी है। अभी टाइम देखिए काफ़ी हो गया मेरे पास, जो तकरीबन 5 बजने वाले हैं, और सुबह में आया था तकरीबन 11 बजे घर से निकला था, और रास्ते में एक दो काम थे वो करके फिर मैं यहाँ पहुँचा था तकरीबन 1 बजे। और अभी ये वापसी है, और वापसी पे काफ़ी ट्रैफिक है, और शाम के 5 होने वाले हैं। और बस अभी जो है इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं ट्रैफिक काफ़ी है, तो अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी डाउन टाउन के अंदर ट्रैफिक होती है इसी तरह ही, तो आप लोग देख रहे हैं ये रश है इस वक्त, ये रश का टाइम है अभी। और बस ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा रहा है, आज बारिश नहीं हुई, मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त था। ये देखें सारा डाउनटाउन जो है आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं। और आज एक्चुअली आज जो है वो टोल प्लाजा भी फ्री है, आज बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैंने बताया था वो जो पुराने किंग थे यहाँ के, उनके आज जो है वो बरसी है, तो उस वजह से इन्होंने आज टोल प्लाजा भी फ्री किया हुआ है। तो सब लोग जो हैं अभी इसीलिए एक्सप्रेसवे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्री है। अभी बस घर की तरफ रवा दवा।